एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, सेट टू की डेट शीट आप सब नोट कर चुके होंगे क्योंकि वो वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सेट टू के लिए क्या सिलेबस होगा, तो बच्चों ध्यान से सुनिए। इस बार सेट टू के सिलेबस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे अगस्त और सितंबर के महीने के सिलेबस पर बेस्ड। अब वो अगस्त और सितंबर के महीने का सिलेबस देखना कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, HBSC की साइट पर जाइए, उसको ओपन कीजिए। और अभी पिछली बार एक वीडियो में मैंने ऐसे ही आपको बताया था जब हमने एग्ज़ाम पैटर्न देखना था। देखिए, यहाँ पर क्लासेस आ गई हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ 10th क्लास का। हमने 10th क्लास को क्लिक किया, ओके, पेज ओपन हो गया है। और आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे तो दे रखा है सिलेबस 2021-22। इसको क्लिक कीजिए, ओके। आप देखिए, पेज ओपन हो रहा है और यहाँ पर आप जाइए, ये देखिए सब्जेक्ट एंड PDF फाइल। तो यहाँ से आपको बच्चे अगर किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है तो आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। देखो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इनका सिलेबस हम टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं। इनके सारे नोट्स, वीडियोस हम शेयर करते हैं जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और उसका नाम है आपकी अकेडमी। अगर आपने अभी तक वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूँगी। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए आपको साइंस का सिलेबस देखना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, साइंस का सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। ये मैं एक बार पहले कर चुकी थी तो ये देखिए दोबारा से आ गया है, ओपन हो गया है। यहाँ से नोट कर लो बच्चों, अगस्त और सितंबर का सिलेबस, क्योंकि सेट टू इसी सिलेबस पर बेस्ड होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। और अब अगली बात भी बड़े ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि हमारा सेट टू का पैटर्न क्या होगा। तो बच्चों ज़रा ध्यान से सुनिए, आपका ये सेट टू 20 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल 13 क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले होंगे 5 MCQs जो 5 मार्क्स के होंगे, फिर होंगे 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये भी 4 नंबर के ही होंगे। उसके बाद दो दो नंबर वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे 6 मार्क्स के। और लास्ट में होगा एक एसे टाइप क्वेश्चन जो कि होगा 5 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल आपके मार्क्स हो गए हैं 20। तो आई होप आपको ये सेट टू का पैटर्न समझ आ गया होगा। और किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को देखना है तो आप HBSC की साइट पर जाकर कैसे देख सकते हैं ये भी आपने सीख लिया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको अगर अपडेट रहना है, आपको हर सेट एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।